जूले सलाम नमस्कार मेरे प्यारे लद्दाख के भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से एक अपील करी है कोरोना के विषय में। उन्होंने कहा है कि सभी देशवासी कोरोना का डिसिप्लिन फॉलो करें। डिसिप्लिन में उन्होंने बोला है मास्क पहने, हमेशा 2 गज 6 फुट की दूरी बनाए रखें, स्पिटिंग थूकना ना करा जाए, और इसके अलावा हैंड वॉशिंग, हाथ धोने का हमेशा रेगुलरली दिन में कई बार एक प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस समय देश में यही सोशल वैक्सीन का काम करेगी। मेडिकल वैक्सीन तो आने में समय है, लेकिन हमें इस सोशल वैक्सीन से अपने को सुरक्षित रखना है। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, कई कारणों से यहां पर केसेस पिछले दिनों में बढ़ रहे हैं। इसका रोक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो नंबर है, उसको कम करने का उपाय माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ऑलरेडी बताया है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा हम वो फॉलो करें। जहां तक लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, हम लोग पब्लिसिटी इसका प्रयास कर रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ प्यूनिटिव एक्शन भी लिया गया है, जहां पे फाइंस लगाए गए हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। हम हर तरह से जितना संभव है मेडिकल प्रिपरेशंस ले रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कंटिन्यूअस कोशिश कर रहे हैं। टेस्टिंग भी जितना रिक्वायर्ड है, जितना उचित है, हम कर रहे हैं, और लद्दाख में हमारा टेस्टिंग रेट शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा या उसके निकट ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। लद्दाख में इस समय एक मैरिज सीजन भी आ गया है, कुछ फेस्टिवल्स भी हैं, मार्केट्स भी खुले हुए हैं, सोशल गैदरिंग्स भी हो रही हैं। हमें जरूरत है कि इन सब ओकेजन्स पर, इन सब जगहों पर हम सुरक्षा बरतें। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमसे जो कहा है कि मास्क का प्रयोग करें, 6 फुट की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, स्पिटिंग थूकना पब्लिक प्लेसेस में नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा हाइजीन, सफाई घर में हो चाहे बाहर हो, उसको रखें, और यही हमारी सोशल वैक्सीन होगी। मेरा ये मानना है कि इस दिशा में अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारी कोरोना के ऊपर जीत निश्चित है। मेरा आपका आपके ऊपर विश्वास है, मेरा आपके ऊपर भरोसा है कि इस कार्य में हम सब मिलकर एक साथ कार्य कर सकेंगे और विजयी होंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।